अच्छा, ये क्या ऑफिस बाइबल, ये बुक क्या है? ये बुक है कोई एडवांस? हाँ, ये बुक एडवांस नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सब है उसमें। ठीक है, हमारे कोर्स के पीछे तीन बुक हैं, जो एक है नाम से, एक आती है 2010 या 13 फॉर्मूला के नाम से, और आती है BBA के लिए। ठीक है, वो मैं आपको मेल पे भेज दूंगा, बुक एक्सेल बाइबल पहली और फॉर्मूला, फॉर्मूला वाली कल भेज दूंगा, आज एक्सेल बाइबल में, तो उससे वो आपके रेफरेंस के लिए सही रहेगी, बुकें अच्छी हैं। जैसे अगर बाइबल देखूँ तो इसके अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेल, करेंगे सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ, हर एक चीज के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वगैरह एक्सेल की ही है, सारी तीन बुकें हैं इन्हीं के लिए, एरे फॉर्मूला भी इसी के अंदर मिल गया। तो एरे फॉर्मूला की बात कर रहे थे, मान लीजिए मेरा ये डाटा है, वीलुकअप यूज करते हैं कई बार हम, क्या करते हैं इसमें, मैंने वीलुकअप लगा के जैसे कोई नंबर यहाँ है, कंपैरिजन काम होता है कई बार। ठीक है जी, तो कंपेयरिंग के लिए हम मोस्टली क्या लगाते हैं, वीलुकअप। ठीक है जी, मान लीजिए आपको पता करना है कि वो लिस्ट में है कि नहीं, इसके लिए इतना लंबा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, और ये एरे फॉर्मूला, और का फॉर्मूला मैंने आपको शुरुआत में सिखाया था। इसमें क्या करता है कि लॉजिकल कंडीशन हम देते हैं कोई, तो इसमें क्या करना है आपने, लॉजिकल कंडीशन देनी है। कैसे, इसमें दे देना है पूरा डेटा, फुल ऑफ कर दिया जिससे चेक करना चाह रहे हैं, इक्वल टू लगा के जिसको चेक करना चाहिए। ठीक है जी, बस इतना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और इसको ड्रैग कर दो। देखिए जहां मैचिंग हो रही है वहां ट्रू आ रहा है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है आपका, वैसे पूरा वीलुकअप लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, और का फॉर्मूला है जिसमें पहले आपको डेटा देना है, फिर उसके बाद वो वैल्यू देनी है। मोस्टली क्या होता है, एक सेल को एक से करता है, इसमें मैंने मल्टीपल सेल को एक से करवाया, तो इसमें जब इवेल्युएट करेंगे तो क्या निकलता है, फॉर्मूले को इवेल्युएट करेंगे, जैसे ये रेंज है, अब ये रेंज आ गई इसमें, और ये हर एक को चेक करेगा इसमें है कि नहीं, तो इसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स में कर देगा। ठीक है जी, ट्रू फॉल्स के थ्रू इसको मिल गई मल्टीपल कंडीशन। और क्यों लगाया है इस, अगर नॉर्मली करते तो ट्रू फॉल्स करके आंसर आता, जिसका जो पहले होता वो दे देता, बट और क्या करता है, अगर इसमें बीच में कहीं भी एक में भी ट्रू मिल गया तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है जी, मतलब अगर वैल्यू मिल गई उसका मतलब वो, और देखते हैं, ये वाला मैंने बता दिया था कि लार्जेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक और जगह यूज होता है एक्सेल, एक तो मैंने इफ के फॉर्मूला के साथ दिखाया था, अब आपको विदाउट इफ के निकालता हूं, कि जैसे इसमें मैंने निकालना है कि संदीप की ग्रेटर देन 50 वाली वैल्यूज कितनी। ठीक है जी, इसको हाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो इसमें क्या क्या स्टेप करने पड़ते हैं मुझे, पहले तो ये मैच करना पड़ता कि इस लिस्ट में ये संदीप ये है कि नहीं। ठीक है जी, ट्रू फॉल्स करके आता, दूसरा मैंने मैच करना है कि ग्रेटर देन 50 कौन सी वाली है, क्या ये ग्रेटर देन 50 है। ठीक है जी, ये ट्रू फॉल्स आ गया। ठीक है जी, तो पहले में ट्रू वहां आएगा जहां संदीप नाम है, दूसरे में ट्रू वहां आएगा जहां ग्रेट वैल्यू ग्रेटर देन 50 होगी,
तो एक और चीज मैंने इसके साथ में आपको बताई थी कि ट्रू फॉल्स जो है उनकी जगह जो है आप वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं, जीरो और वन। ठीक है जी, इनकी वैल्यू जीरो और वन होती है। तो जब आप ट्रू एक को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो क्या आएगा, एक को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो जीरो आएगा। ठीक है जी, सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पे दोनों जगह ट्रू होगा वहां पे आपका वन रिटर्न करेगा। ठीक है जी, दो कंडीशन लग गई, अब यहां वन रिटर्न करेगा। अब मैंने क्या करना है, इस फॉर्मूले को मैंने क्या ना मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, इस वैल्यू से। ठीक है जी, यहां डाउन तक खींच लिया मैंने, इसने मल्टीप्लाई किया। अब जीरो मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है जीरो रिटर्न कर रहा है, पर जहां वन है उसने वैल्यू रिटर्न कर दी। और लास्ट में हमें लगाना है सम का फॉर्मूला। ठीक है जी, अब इसी पैटर्न को हम सम ये एरे के थ्रू कैसे चलाएंगे, यहां चलाते हैं। तो लास्ट में मैंने सम का फॉर्मूला लिखा था। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैंने कुछ कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन क्या थी, पहली चीज तो क्या ये इक्वल टू संदीप है। ठीक है जी, सिंगल हम कंपेयर करते हैं पर यहां पे लिस्ट पूरी पूरी करते हैं। देन मैंने क्या यूज किया था, मल्टीप्लाई किया था इसको किससे, इस वाले ट्रू फॉल्स से। तो ये वाली कंडीशन इस ब्रैकेट के अंदर आएगी कि क्या ये ग्रेटर देन 50 है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई किया था और अगली वाली सेल में मैंने क्या किया था, फिर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, मतलब यहां से जो वैल्यू आए ट्रू फॉल्स की वो मल्टीप्लाई हो जाए इस वाले ट्रू फॉल्स से और ये मल्टीप्लाई हो जाए इसकी एक्चुअल वैल्यू से और उसका हो जाए सम। ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर आ गया। मान लीजिए बीच में कहीं बढ़ जाता और ग्रेटर देन 50 हो जाते तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। सिंगल फॉर्मूला में ये सब करवाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है जी, तो एक क्राइटेरिया आपने ये सीखा कि वन मल्टीप्लाई करके भी ला सकते, पर किसी सेल में आपको दो क्राइटेरिया करने होते तब क्या करते। ठीक है जी, मैंने कहा संदीप और हरीश की वैल्यू दिखाओ जो ग्रेटर देन 50 है। अब हरीश के लिए क्या करेंगे, ठीक है जी, अल्टरनेट हो गया यहाँ। तो जब मैचिंग करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें, रिजल्ट यही देना है ग्रेटर देन 50 करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां जो हमने कंडीशन लगाई थी इसमें क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो 0 1 0 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, और मल्टीप्लाई के केस में जहां डबल कंडीशन देनी है आपने तो वहां प्लस का यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी रेंज को मैंने सिलेक्ट किया, दोबारा करता हूँ, यही रेंज सिलेक्ट की और इक्वल टू मैंने कर दिया हरीश। ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर आ गया 198। ठीक है जी, कैसे हुआ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार हरीश वाला केस ले लेता हूँ। यहाँ ट्रू फॉल्स आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सीधा सीधा मैंने इस वाले को प्लस किया इस वाले में, आ गया। ठीक है जी, यहाँ खाली संदीप के लिए बना रहा था, प्लस हुआ तो जहां हरीश था वहां पे भी बना गया।
है। नेक्स्ट थी जो थी वो ग्रेटर देन 50 वाली थी, और उसके बाद उसने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे इस रिजल्ट को, और इससे इस वाले से यहाँ वैल्यू देख सकते हैं। हाँ हाँ गड़बड़ हुआ कुछ। कहीं एक चीज मैंने गड़बड़ ले ली, इसका तो जिक्र ही नहीं किया मैंने बीच में। इसको फिर मैंने मल्टीप्लाई कराया था किससे, ये बीच में काम किया मैंने यहाँ, इस रिजल्ट को मैंने मल्टीप्लाई कराया था किससे, इस वाले से, ग्रेटर देन 50 वाले से। ठीक है, देन मैंने क्या करना था, इससे करना था। अभी भी गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ मैं। यहाँ मैंने क्या फॉर्मेशन चलाई है, ये प्लस हो जाए हरीश से, मल्टीप्लाई हो जाए ग्रेटर देन 50 से। दोबारा से कर लेते हैं फ्रेश ये चीज को, तो यहां से हटा देता हूँ। हरीश का ले लिया मैंने, दीप का ले लेता हूँ, इसके इक्वल टू हो जाए कंडीशन चली गई। देन मैंने क्या किया, यहाँ चेक चेक किया कि क्या ये ग्रेटर देन 50 है, इसने रिजल्ट दे दिया। अब तो मैंने यहाँ क्या करना था, ये प्लस में ये, ठीक है जी, यहाँ पे आया। देन मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, फिर मैंने क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो कुछ गड़बड़ आ रहा है। 308, 308 क्यों हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ प्लस प्लस। सर यहाँ एंड का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, एंड का फॉर्मूला? नहीं, एंड का नहीं है, इसी से ही होगा। ऐसा हो रहा है ना कि हो सकता है गड़बड़ हो गया हो, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी पहले पड़ जाती है, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके मैंने ठीक कर दिया, रिजल्ट सही है। ठीक है जी, इन इस फॉर्मूले में पहले वाले में क्या हो रहा था कि जहां ये मल्टीप्लाई लगा था ना, तो ये क्या करता है, बॉर्ड मास का फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले आप मल्टीप्लाई को टैकल करो, और मुझे करवाना क्या था, प्लस करवाना था पहले, तो इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया। ठीक है जी, इसका सीक्वेंस सही है जो रिजल्ट बाद में आ रहा है। ठीक है जी, ये तो मल्टीप्लाई सबसे पहले देता है। बॉर्ड मास का फॉर्मूला पता है ना क्या है, बी एम सर ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई सब सब्ट्रैक्ट और एडिशन ऑफ ए डिवाइड ब्रैकेट, BOD एंड हाँ ठीक मल्टीप्लाई सब एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये डिवीजन है ये। है, हाँ मल्टीप्लाई पहले होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और सब्सट्रैक्शन और एडिशन। ठीक है जी, हाँ जी इस तरह से चलता है, तो सबसे पहले उसमें मल्टीप्लाई उसे मिल जा रहा था, तो वो पहले मल्टीप्लाई मार दिया।
उसको रोकने के लिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट की प्रायोरिटी पहले है, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर उसे दे दिया, बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको, मैंने कहा पहले इसको सॉल्व करो बाद में आगे जाए, ठीक है। तो इसमें प्लस के थ्रू हम क्या करते हैं, जब हमें कंडीशन जोड़नी होती है, मल्टीप्लाई के थ्रू जब क्रॉस चेक करते हैं, प्लस के थ्रू हम करके कितनी कंडीशन आगे जोड़ सकते हैं। अब करते हैं, मान लीजिए आपको यूनिक लिस्ट बनानी है, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं और यूनिक करने हैं आपने, यहाँ पे आपको यूनिक लिस्ट चाहिए। यूनिक लिस्ट के लिए अभी प्रेजेंट क्या करते हैं हम लोग, कौन से फॉर्मूले अवेलेबल है, एक तो है कि आपका आप यहाँ से उसको सीधा कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए, कहीं भी पेस्ट करेंगे, ठीक है जी। और डेटा में जाके आपका क्या है, रिमूव डुप्लीकेट्स, माय डेटा हैज हेडर्स, रिमूव डुप्लीकेट, तो आपकी लिस्ट आ गई। बट ये ऑटोमेटेड नहीं है ना, ऑटोमेटिक नहीं आती है, ठीक है जी। मान लीजिए इसमें कल को बढ़ गया तो फिर क्या करेंगे, तो ये आता नहीं है। दूसरा तरीका जो होता है हमारे पास होता है कि हमने ये सिलेक्ट किया, एडवांस फिल्टर होता है हमारे पास, जो डाटा के अंदर ही फिल्टर है ना, एक एडवांस फिल्टर होता है। एडवांस फिल्टर में क्या कर सकते हैं आप, दो ऑप्शन है, फिल्टर इन द लिस्ट इन दिस प्लेस, यहाँ पे फिल्टर लगा दे या तो कॉपी टू अनदर लोकेशन, मैंने कॉपी टू अनदर लोकेशन कर दिया है, कॉपी कहाँ करना है, यहाँ करना है, ठीक है जी। और यहाँ पे एक ऑप्शन है यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, ओके कर दिया, यूनिक रिकॉर्ड्स आ गए। तो दो चीजें पता पड़ी आपको, रिमूव डुप्लीकेट्स और एडवांस फिल्टर, ठीक है जी। तीसरा तरीका जो है वो फॉर्मूले के थ्रू है। अब फॉर्मूला थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा यहाँ पे, तो उसके लिए मैं बेटर है इसको नेम्ड लिस्ट में बदल लूं, ताकि आपके समझने में आसानी हो, क्योंकि तो अगर मैंने ऐसे फॉर्मूला लगा दिया तो आपके समझ नहीं आना, ठीक है जी। तो मैंने इस लिस्ट को क्या कर दिया, एक नेम में बदल दिया, और मैंने क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया डेटा, ठीक है जी। इंस्टीड ऑफ यूजिंग इसको मैं क्या करूंगा, डेटा नाम दे दिया मैंने, जो रेंज की जगह मैंने डेटा नाम दे दिया। अब मैं इसको यूज करता हूँ, तो सबसे पहले लगेगा मेरा इंडेक्स का फंक्शन। इंडेक्स का फंक्शन क्या करेगा, इंडेक्स में दे दूंगा मैं डेटा, ठीक है। ये इंडेक्स है, इसमें से यूनिक वैल्यू निकालनी है। अब यूनिक वैल्यू के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि उसका रो नंबर क्या है, क्योंकि इंडेक्स मांगता है रो नंबर। तो रो नंबर निकालने के लिए सबसे अच्छा कौन सा फंक्शन, मैच, ठीक है जी। मैच में अब लुकअप क्या करना है, लुकअप आपको यूनिक करना है। अब यूनिक पता कैसे पड़ेगा कि यूनिक है, तो इसके लिए एक ट्रिक खेलते हैं हम, यहाँ पे दे देते हैं जीरो, और हम फाइंड कराएंगे किससे, काउंटिक से, ठीक है जी। जीरो को फाइंड करेंगे हम, बट काउंट इफ भी डायरेक्ट नहीं देगा, काउंट इफ भी काउंट करके ही तो रिजल्ट देता है, पर उसमें से पहला वाला कौन सा है, दूसरा वाला, ये सब का नहीं पता पड़ता ना, तो फिर भी देते हैं काउंट इफ रेंज क्या देनी है, यहां हमें क्या करना है, रेंज हम उल्टी दे देंगे। इसमें मैंने ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, ठीक है जी, और ऊपर वाले को मैंने क्या कर दिया, यहां से ब्लॉक कर, ताकि जब मैं इसको ड्रैग करूं तो ये बढ़ना नहीं चाहिए रेंज। अब यूनिक मुझे कैसे पता पड़ेगी, मैं क्या कर रहा हूं कि जो इस लिस्ट में ना हो, मतलब यहां पे जो डेटा आने वाला है उसके ऊपर ना हो, मैं ड्रैग करूंगा तो ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, जब मैं तीसरे कॉलम पे आऊंगा तो ये इसको भी ले लेगा, तो जो इस लिस्ट में ना हो उसको उठा ले। पर उठाएगा कैसे, अब रेंज ये हो गई, क्राइटेरिया में आप एक ही वैल्यू दे सकते हैं, तो एरे यही खेलना है हमने, कि एरे हमने पूरे के पूरे
इसको दे देना है फुल रेंज को, ठीक है जी। वो एक एक को चेक कराएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, मतलब काउंट करेगा ये कितनी बार आया कितनी बार आया, उसको एरे में लिख देगा कि पहला वाला एक बार आया, दूसरा वाला दो बार आया, ये एक भी बार नहीं आया, इस तरह से लिख देगा, ठीक है जी। काउंटिंग यही रिटर्न करेगा सबकी काउंटिंग। मैच टाइप जीरो, ठीक है जी। इंडेक्स को क्लोज करते हैं, देखते हैं पहले इससे चलता है, नहीं तो एक और फॉर्मूला लगाएंगे। आ गया, काम हो गया हमारा, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार के हमने फिर ट्रैक कर दिया, बट इसमें क्या आ रहा है, एक एरर भी आ रही है, क्योंकि जब इंडेक्स को नहीं मिलता है कोई चीज, मैच को नहीं मिला है तो एरर रिटर्न करिए। तो एरर के लिए अपना सिंपल सा फॉर्मूला है, कौन सा वाला, ये पैरा, वो लगा दीजिए इसके आगे और यहाँ पे ब्लैंक कर देते, ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट एंटर और इसको ट्रैक कर, ठीक है। अब ये हो गई आपकी यूनिक लिस्ट, ठीक है सर। कोई वैल्यू अगर इसमें चेंज होती है तो ये भी चेंज हो जाए, जैसे मैंने इसमें कोई नया नाम ऐड कर दिया, सुरेश है क्या, सुरेश पहले, अब आ गया, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया इसको, ठीक है जी। अगर वैसे फॉर्मूला में लगाता, मैं देखिए ये कर क्या रहा है, इंडेक्स का फॉर्मूला ये था मेरा एरे, इसको मैंने लॉक कर दिया, लॉक करने की, अच्छा मैंने तो नाम बदल रखा है तो वैसे दिखाएगा नहीं। दोबारा देख लीजिए था क्या, ये डाटा जो था ये पूरी रेंज थी, ठीक है जी। रो नंबर के लिए मैच का फॉर्मूला लगाया, मैच में मैंने जीरो फाइंड किया, जीरो में मुझे काउंट ने क्या दिया, काउंट इफ ने मुझे एक एरे दिया है, यहाँ पे एरे मतलब एक डेटा दिया है, तो डेटा उसको जिस लोकेशन पे मिला, डेटा क्या दिया है, मैंने क्या किया कि रेंज रेंज खाली ऊपर वाली दी थी, रेंज खाली ऊपर वाली दी है और पूरा का पूरा इसमें यहां से फिर से डेटा दे दिया। अब देखिए काउंट इफ क्या कर रहा है, मैच को पूरा करता हूँ जीरो करके और इंडेक्स पूरा ही है अपने आप में, ठीक है जी। सारा खेल इस काउंट इफ का है, काउंट इफ क्या देने वाला है हमें जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये देने वाला है, मतलब सबको काउंट कर लिया अभी, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं था तो इसने कुछ फाइंड ही नहीं किया, ठीक है जी। तो मैच ने क्या किया, जीरो, इसे पहली लोकेशन पे जीरो मिल गया, ठीक है जी, पहली लोकेशन पे मैच को जीरो मिल गया, और मैच क्या देता है, रो नंबर, तो रो नंबर इसका रो नंबर पहला ही उसने उठा लिया जीरो, ठीक है जी। पर अब आके देखें कि दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में जिसमें ये संदीप भी आ चुका था, ठीक है जी। तो इसके काउंट इफ में जब आप देखेंगे, यहां आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें क्या मिला, संदीप मिला वन, ठीक है जी, मतलब कि वो इस लिस्ट में आ चुका है, है जी, इस लिस्ट में आ चुका है। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट जीरो फाइंड करेगा, तो वी लुकअप की तरह जो पहले मिल गया उसको उठा लेगा, यहां से पहले जीरो को यानी हरीश को उठा लिया, ठीक है जी। अब हरीश का जीरो मिल जाने पर ये आगे चला, अब जहां जहां हरीश होगा ये अगला वाला फंक्शन क्या करेगा, उसको वन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। तो जीरो अपना नेक्स्ट वैल्यू पे चला जाएगा, जीरो अपना नेक्स्ट वैल्यू पे तीसरी पे चला गया, इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि बाकी का तो वन वन होता जा रहा है, ये पकड़ेगा सिर्फ जीरो को, क्योंकि जीरो ही फाइंड करा रहा हूं, ठीक है जी। तो ये फंडा हुआ है सारा उसमें, ठीक है जी। ये फॉर्मूला क्लियर है आपको, हाँ जी सर, किसी को कोई डाउट इसमें, नहीं, इट्स ओके।
आपके लिए तो सर ओके है, बाकी पूछ तो एरे को क्या करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि एरे को ज्यादा आगे बढ़ाओ, मतलब इससे आगे कंफ्यूजन ही है खाली। तो आपको जितना इतना दे रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करें, बाकी हम अपना जो है नेक्स्ट सेशन शुरुआत करेंगे। ठीक है जी, एरे के लिए मैंने खाली आपको एक्सप्लोरिंग पॉइंट दिया, जिसके बाद आप एरे को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पॉइंट मैंने चीज बताई दी है कि कहाँ से कर सकते हैं, टेक ऑन दी नेट पे जाएंगे और उसका हर एक एग्जाम्पल करके देखिए। जब आपके पास पहले से कोई डेटा तो उसको ट्राई कीजिए। सर एक मैंने चीज पूछनी है आपसे। हाँ जी, हाँ जी, हम लोग जिस तरह हम लोग डेटा वैलिडेशन से जाके ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, हाँ तो अगर वो मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट बहुत बड़ी है हाँ तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं अगर एच लिखूँ तो एच के जितने भी नाम के होंगे वो एच के फिल्टरों के ऊपर आ जाएंगे। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है अगर फॉर्मूले से हो। बिल्कुल है सर। बट उसमें क्या क्या होता है ना कि आपका जो डेटा वैलिडेशन है वो आपका एक बार आपको लिखना पड़ेगा फिर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे आपने एच टाइप किया फिर एंटर करेंगे ना, फिर चेक करेंगे तब दिखाएगा, डायनेमिक अपडेशन नहीं है। ठीक है जी, नहीं होगा हाँ, मतलब आपको जैसे ये टाइप कर दिया ना आपने, आप देखेंगे तो आपको दिखाएगा उस लिस्ट में बचे हुए। ठीक है जी, ऐसा हो सकता है, वो भी फॉर्मूले के थ्रू ही होता है। ठीक है जी, और इसका मैं बताऊं, इसका तो प्रोग्राम ऑलरेडी अवेलेबल है आपके YouTube पर, मैंने ये चीज देखी थी, उसका आप वीडियो देख लीजिएगा, हो जाएगा। डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एक्सेल। इसमें आपका इसको कहते क्या है, इसको जो हम टाइप करते हैं इसको कुछ कहते हैं, उसी के नाम से ये अवेलेबल है। चेंजिंग, सर हाँ, वैसे एक्सेल चेंजिंग यही वाला है, हाउ टू क्रिएट डायनेमिक चेंजिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट यूजिंग इंडेक्स। इसमें इसमें सारा फॉर्मूला यूज हुआ है, ये वाली वीडियो का आप कहें तो मैं लिंक भेज दूंगी। सही सर। इसमें आपको ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाउ टू क्रिएट अ सर्च सजेशन। सर्च सर ये वैसे आपको मिल ही जाएगा, जैसे ये कर रहा है ना, आई एंड टाइप किया और ये आ गया, पर ये तो उसके अंदर है। ये कंट्रोल के अंदर है, कंट्रोल से आपका लेना देना नहीं है, डाटा वैलिडेशन से देखते। ट्रेडिशनल लिस्ट इस तरह से इसमें लिखा है, जेनिफर लोपेज पुष्कर दिख रहा है सबको, कोई नहीं। तो सारे नाम आ रहे हैं, बस आगे देखते हैं, ये दूसरे पे चलेगा, हो जाएगा।